प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का किया उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे का बनूंगा प्रस्तावक। बारामूला और शोपिया इलाके में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। नए सीडीएस अनिल चौहान ने संभाला पदभार, का सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का करेंगे सामना। मोहम्मद सिराज होंगे जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट, बीसीसीआई ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद शामिल होकर 332 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसके साथ ही सीएम ने अपर संबोधन में आरक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई, सरकार की तरफ से 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और यूपी में बड़े पैमानों पर निवेश हो रहा है, देश के युवाओं को सक्षम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से शराब माफियाओं पर लगातार एक्शन किया जा रहा है और सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आबकारी विभाग ने अपने यहाँ इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई आपने देखी होंगी, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छोएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के फैजुल्लागंज में डायरिया से एक बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि राजधानी में अब तक डेंगू के 18 नए मामले सामने आए हैं और जानकारी के मुताबिक फैजुल्लागंज में 4 साल में 68 लोगों की डेंगू से अब तक जान जा चुकी है। वहीं राजधानी में 200 से 300 लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। लोक बंधु बलरामपुर सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती कराए गए और प्रशासन की तरफ से घरों में एंटी लार्वा छिड़काव करवाया जा रहा है। बता दें कि फैजुल्लागंज में डायरिया से एक बच्ची की मौत हो गई है। राजधानी में अब तक डेंगू के 18 नए मामले सामने आए हैं। 4 साल में 67 लोगों की डेंगू से जान जा चुकी है। राजधानी में 200 से 300 लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। लोक बंधु बलरामपुर सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती कराए गए हैं और प्रशासन की तरफ से घरों में एंटी लार्वा छिड़काव भी करवाया जा रहा है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, डेंगू और डायरिया के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ और निर्देश दिया है?
जी देखिए, आपको बता दूं कि यूपी भर में पूरी हर जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। और बात करूंगा लखनऊ के फजुल्लागंज की, तो यहाँ पर एक 4 साल की जो बच्ची है उसकी डायरिया से मौत हो गई। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग जागा है, क्योंकि इससे पहले भी फजुल्लागंज में तमाम वो चीजें हो चुकी हैं जो कि सरकार के सरकार को सुध लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने किसी भी चीजों को सुध ना लिया और एक बड़ा हादसा हो गया, बड़ी घटना हो गई। और काफी गंदगी की बात करूं तो इसमें नगर निगम की लापरवाही के साथ साथ तमाम जो विभाग हैं जिनके पास सफाई से लेकर तमाम चीजें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उनको लेकर भी विभाग जो सचेत नहीं है। और आपको बता दूं कि यूपी में लगभग 200 से अधिक ज्यादा ये सब डायरिया और मलेरिया के मामले सामने आए, और लखनऊ भर में आपको बता दूं कि 20 से ऊपर मलेरिया और डायरिया के मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर जो तमाम सरकार है, तमाम सरकार के जो मंत्री हैं, आईएएस हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से सचेत कर दिया गया है कि यूपी में किसी भी तरह से अप्रिय घटना ना हो पाए मलेरिया और डायरिया को लेकर, और कैसी भी अगर घटना होती है तो उसके लिए पीछे जो अफसर होंगे उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और दूसरी बात बता दूं कि लगभग आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग अब चेता है जाकर, क्योंकि जो मौसम आता है बरसात और ठंड के बीच का जो मौसम आता है, इसमें जो तमाम जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, डायरिया हो गया, ये सब पनप कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने सुध ली है और एक बहुत बहुत बेहतर कदम उठाने की सोची है, तो मुझे लगता है कि शायद अब इन सब केसेस में कमी आएगी और इन सब केसेस को जो सरकार जो द्वारा जो सुविधाएं दी गई है। और आपको बता दूं कि लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल है KGMU सरकारी अस्पताल, और यूपी के तमाम जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं अपना इलाज कराने। तो यहाँ पर सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि एक्स्ट्रा बेड रखे जाए मरीजों के लिए, और डॉक्टर की तैनाती हर 24 घंटे में की जाए, ताकि कोई भी अगर मरीज इन सब चीजों को लेकर आता है अपने परिजनों के साथ या तीमारदारों के साथ, तो उनका बेहतर ढंग से इलाज कराया जाए, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। क्योंकि आपको बता दूं कि फजुल्लागंज में लखनऊ का फजुल्लागंज इलाका है और काफी कंजेस्टेड है यहाँ पर, और काफी साफ सफाई को लेकर भी हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, और एक बच्ची की मौत हो जाती है, बच्ची के परिजन कहीं ना कहीं देखिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि एक मलेरिया और डेंगू के निस्तारण की जो प्रक्रिया होती है कि साफ सफाई होती है, और साफ सफाई ना होने के कारण जो मच्छर होते हैं वो गंदगी में पनपते हैं। सागर प्रशासन की बात करें तो घरों में एंटी लार्वा छिड़काव करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या और सख्ती की जरूरत है, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी आपको प्रशासन द्वारा लगातार इस बात की सुध ली जा रही है, और प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहा है, और जो सख्ती की मदद की तमाम जो मीटिंग है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है मलेरिया और डेंगू को लेकर, डायरिया को लेकर, तो उसे भी सरकार की सुध रही है, और सरकार हर जगह पे छिड़काव कर रहा है, दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, हर सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो अस्पतालों को और इलाकों का औचक निरीक्षण करें, और जहां भी अगर कोई भी शिकायत पाई जाती है तो इस इलाके का निरीक्षण कर जो भी निस्तारण की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी तरह से निभाया जाए, और सरकार को एक बताया जाए कि इस तरह से प्रक्रिया चल रही है, और जो अभी तक है सरकार द्वारा मुझे लगता है कि सर्वे कराया जाएगा इलाकों का, और तमाम जो चिकित्सा अधिकारी से लेकर जो अस्पताल के अधीक्षक होते हैं उनके निगरानी में ये सब देखा जा रहा है। तो लगता है कि मुझे लगता है कि शायद अब सरकार ने सुध ली है इन सब चीजों को लेकर, तो इनके मामले अब कम आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। केंद्र सरकार के PFI पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जा सके। PFI और उसकी सहयोगी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगने के बाद यूपी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए यूपी पुलिस को चकाचाक चौबंद व्यवस्था करने को कहा। बता दें कि संवेदनशील स्थानों पर फूट पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं, वहीं मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भी लगाई गई हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं।
विभांशु, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया है, जिसको लेकर आज प्रदेश में जुमे की पहली नमाज है, और इसमें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट और जारी किया गया है? जी नंदनी, आपको बता दे कि पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार का शिकंजा होने के बाद कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को देखते हुए आज पूरे देश में जुमे की नमाज पर अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट का देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के एसपी यानी कि कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि अपने जिलों में आप आज जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके कड़े इंतजाम करें, खासकर जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं या जो धार्मिक जगह हैं, उन सब जगहों पर नमाज के ठीक बाद, जुमे की नमाज के ठीक बाद आप वहां पे पुलिस की तैनाती रखें, जिससे कुछ भी अगर किसी तरह के अजारक तत्व अपनी शैतानी करना चाहे तो ना हो सके। साथ ही साथ आपको बताएं कि सोशल मीडिया टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का मनभर प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम ना किया जा सके, ना अफवाह फैल सके, इसको भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं अगर बात की जाए तो जो लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर आरपीएफ को तैनात किया गया है, साथ ही साथ आरएएफ को तैनात किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से अगर देखें तो ये एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। साथ ही साथ ऐतिहासिक मस्जिद है, यहाँ भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने आते हैं, तो वहां पे भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार के शिकंजे के पास कहीं ना कहीं ऐसी जो गुप्त सूचनाएं हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से निर्देश दिया गया था कि आप पूरे देश में आज अलर्ट रखें, क्योंकि देखा जाए तो पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया के पाबंदी के बाद ये पहली जुमे की नमाज है और हर एक जगह पे प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और कोई अनहोनी ना हो इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन के हर एक तबके का जो अधिकारी है चाहे उसका कर्मचारी है वो लगा हुआ है। जी विभांशु, बात करें राजधानी लखनऊ की तो किन किन स्थानों पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है? जी नंदनी, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध मस्जिद टीले वाली मस्जिद पर हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। आपको बताएं कि अगर तत्काल में वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, आरएएफ लगाई गई है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया जो एक दायरा है उस पर भी पूरे जो हैंडल्स हैं उस पर भी ध्यान रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो तमाम पुलिस के आला अफसर भी मौके पर मौजूद है और आपको बताएं कि नमाज से ठीक पहले वहां तमाम चीजों को निगरानी रखी जा रही है कि कुछ ऐसी अनहोनी ना हो। साथ ही साथ जो भी एंट्री ले रहा है तो तमाम लोगों पर नजर रखी गई है। साथ ही इससे ठीक पहले जो तमाम धर्म गुरु हैं उससे जो लखनऊ का प्रशासन है वो उनसे संवाद करके और शांति की अपील किया है कि आप अपनी तरफ से जो नवाजी हैं उनसे शांति की अपील करें। साथ ही साथ और भी जो तमाम अन्य धर्म गुरु हैं उनसे भी संवाद साध कर और शांति बनाए रखने की बात कही गई है, जो साफ तौर से लखनऊ के अंदर में देखने को मिल रहा है। कुछ ही समय में नमाज का वक्त होगा और अगर बात करें तो जो लखनऊ की मिश्रित आबादी है साथ ही साथ जो बड़ी मस्जिदें हैं वहां प्रशासन की टुकड़ियों को तैनात किया गया है और पूरी तरह से अगर देखें तो प्रशासन अपने काबू में मामले को लिया हुआ है। विभांशु, देखा जाए तो फिर फुट पेट्रोलिंग को भी और गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ आज नवरात्र भी है और आज जुमे की पहली नमाज है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दो त्योहार एक साथ है जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और पैदल गश्त के साथ साथ जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है उसको पूरी तरह से आज नमाज के ठीक पहले से ही अब नमाज के बाद तक पेट्रोलिंग रखी जाएगी। दूर दराज के जो अगर देखें जो लखनऊ कमिश्नरेट में दूर दराज के एरियाज हैं वहां पे भी पुलिस की टुकड़ी को भी तैनात किया गया कि छोटे मस्जिदों पे भी जो पुलिस के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं या तमाम अफसर हैं वो वहां मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में पूरी सिक्योरिटी देकर नवाजियों को नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बताएं कि अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ के अंदर में हमेशा से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब लखनऊ को गंगा जमुना तहजीब के
तौर पर आज देश भर में जाना जाता है सालों से, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो राजधानी लखनऊ है वहाँ पूरी तरह से देखें तो कानून का राज है और कानून स्थापित है और लोगों में अमन चैन है, और कुछ ही समय में जो नवाजी है वो नवाज पढ़ेंगे, मगर सतर्कता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। प्रतापगढ़ में कोहंडौर थाना मंदुरा रानीगंज गांव में कुलदेवी रामदुरावत माता रानी के परिसर में शारदीय नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं होने देने पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिहादी मानसिकता के लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मूर्ति स्थापित करने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही जा रही थी। हरदोई में विकास खंड भरखनी क्षेत्र के लगभग सभी ग्राम पंचायतों ने पंचायती भवन का निर्माण भी करवाया था, जिसमें काम करने के कर्मचारियों ने मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पंचायती भवन में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। इतना ही नहीं, पंचायती भवन में ग्राम विकास अधिकारी रामचरण की तैनाती है, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। वहीं बातचीत करने पर भाड़े के ग्राम विकास अधिकारी विजय मिश्र ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी रामचरण के पास काम ज्यादा है, इसलिए वो हमें अपने निजी खर्चे पर रखा है। 6 ग्राम पंचायतों रामपुरवा, खमरिया, कन्हारी, कनकापुर, उर्वा, खौरकेड़ा, खितौली, उर्वी कला में नियमित रूप से जाता हूं। उनकी जगह पे कोई आता है नहीं? जी विजय मिश्रा है, वो आते हैं। कब आए थे वो लास्ट टाइम? वो अभी 3-3 दिन हो गए तब आए थे। इस पंचायत घर में आता कौन कौन है? आप ही यहाँ पे मौजूद मिले हमें? सिर्फ हम ही आते हैं, और सेक्रेटरी कभी कभी आ जाता है, और कभी आते नहीं। प्रधान जी नहीं, वो नहीं आते। नहीं आते हैं? नहीं, आना चाहिए उनको। बताते नहीं है। ठीक है। के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षराज, पंचायती भवन में भाड़े का सचिव बताया जा रहा है, वो पंचायती भवन को चला रहे हैं। ये मामला भरखनी ब्लॉक के कन्हारी ग्राम पंचायत का है। यहाँ पर जो रामचरण ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो अपनी जगह एक विजय मिश्रा को भाड़े पे रखे हुए हैं, उन्हें से सारे काम कराते हैं। जो वहाँ पे पंचायत सहायक जो सारुल कटियार है, उनसे बात हुई है तो वीडियो में साफ बता रही है कि न यहाँ के जो प्रधान हैं अनुज कटियार, वो भी कभी नहीं आते हैं, और न कभी ग्राम विकास अधिकारी आते हैं। योगी सरकार में एक तरीके से कह रहे जीरो टॉलरेंस से जो बात होती है, काम धाम से विकास की बात होती है, वहीं पे एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रधान और सचिव ही जब नजारत है वहां से, तो काम किस तरीके से हो रहा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। बुलंदशहर में आरटीओ कार्यालय के सामने लगी दुकानों को हटाया गया। आरटीओ ने यह भी अभियान चलाकर दफ्तर के बाहर दलालों पर शिकंजा कसने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक दफ्तर के बाहर दलाल व चाट के ठेले, जिनकी वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस पर एआरटीओ अफसर ने खुद संज्ञान लिया। इसके साथ ही आरटीओ ऑफिस में भी साफ सफाई करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं। लोगों के लिए इन लोगों को जागरूक करना पड़ा, जो हमारे यातायात व्यवस्था को अवरोध करते थे। शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जो अनाधिकृत लोग ठेले, अनाधिकृत लोग व्यक्ति बैठे रहते थे, उनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिए गए। कड़े निर्देश दे दिए गए कि कोई भी आरटीओ ऑफिस के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करेगा, जैसे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो सर क्या ये जब तक हमें लगभग ये लगातार सब अभियान चलता रहेगा, और साफ सफाई क्या कोई भी या अनाधिकृत व्यक्ति यदि गए या डकैत या जो भी अनाधिकृत बैठता था उसको किसी भी तरह से नहीं बैठने दिया जाएगा। CNN
सीतापुर में खैराबाद थाना क्षेत्र के डीजी कॉलेज चौराहे पर होमगार्ड का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक एक किसान बीमारी के चलते इलाज के लिए यूके लिप्स्टिक की लकड़ी खैराबाद कस्बे में बेचने के लिए ट्रॉली से ले जा रहा था, तभी डीजी कॉलेज चुंगी पर तैनात होमगार्ड कर्मी ने चौराहे के निकासी के नाम पर 200 रुपए की मांग की। जब किसान ने रुपए देने में असमर्थता जताई तो इतने में होमगार्ड कर्मी आग बबूला हो गया और किसान पर आक्रामकता दिखाते हुए पिटाई कर दी, जिसमें किसान की आंख में गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आंखों का इलाज चल रहा है। लिप्टिस हम काटने लिए आ रहे थे अपने घर से, वहां से टप्पा बेजिया से, तो हम बेचने जा रहे थे खैराबाद। बीवी बच्चे हमारे बीमार थे, बुखार जड़ा चल रहा है इस टाइम, तो हमने पैसा नहीं था तो लिप्टिस काटे थे। और खैराबाद जब चुंगी पे पहुंचे तो पुलिस वाले जो है होमगार्ड लोग विवेक सिंह, तो वो मांगने लगे 200 रुपये, तो हमने कुछ दिया नहीं उनको, तो हमको मारने लगे, कहने मेरी सरकार है भाजपा की और आप जो कुछ करना हो करो, भोसड़ी के ये है वो है, गाली फाली दिन मार और आँख पर मार दिन, तो चट्ठा रहा तो आँख में है जो है चोट लगी है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के नगीना रोड पर टूटी फूटी कोठरी के पास एक छात्र का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। छात्र के शव के पास से पुलिस ने स्कूल का आईडी कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि छात्र नगीना के एमएम इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। छात्र का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उधर सूचना मिलने पर एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर जाँच पड़ताल की। मृतक छात्र की लाश के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। धामपुर रोड पर सड़क से करीब 200 मीटर अंदर नीचे में ये बॉडी प्राप्त हुई है, जिसकी शिनाख्त रोहित सनफ सुभाष आरो काजीवाला के रूप में हुई है। हमने इसमें जिले सक्रिय कर दी है और तहकीकात जारी है, यथाशीघ्र हम इसका अनावरण करते हैं। औरैया में फमफून क्षेत्र के गांव मिरगावा में एक बच्चा 3 दिन से लापता था, जिसका शव देर रात मकान के पीछे बनी कोठरी में रख के भूसे में दबा मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी गई, जिससे सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस महकमा मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पकड़ हो गई थी, मरा हुआ मिला, अगरबत्ती ये लोग लगाने गए थे उस कमरे में, हम छत पर थे और लोग बैठे, तो उन्होंने देखा। कितने दिन से लापता था? जी 26 तारीख से। आपने रात को गुमशुदगी लिखाई थी? जी थाना फतूंद में लिखाई। आज कैसे पता चला आपको? आज ये अगरबत्ती लेके लगाने गया उस कमरे में जाने। कौन? ये कृष्ण प्रताप। आपके कौन है ये? मेरे कोई नहीं, जिनके पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी है ये। हरदोई में पिहानी कोतवाली इलाके में एक बूढ़ा गांव शरे आम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। शरे आम इस घटना को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर मृतक के परिजनों ने सीएससी के बाहर हंगामा काटा है। हालांकि पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी है और जल्द ही घटना का जाँच कराने की बात कह रही है। ये सूचना प्राप्त हुई है, बूढ़ा गांव के श्री रमेश सिंह अपने खेतों की ओर जा रहे थे अपने एक साथी के साथ, तो इन्हें दो अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। इनके साथी द्वारा बताया गया कि दो लोग मोटरसाइकिल से रास्ते रुके हुए थे, वो इनको रोक के गोली मारी गई है। अब क्यों मारी गई, क्या हुआ, इस सबकी तस्दीक की जा रही है। परिजनों से पहले लेकर तो इन्हें कार्रवाई की जाएगी। इसको कैसा हिरासत तो लिया गया किसी को? नहीं, पूछताछ कर रहे हैं, विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, हर्षराज हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षराज, एक गांव में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
नंदनी जी आपको बता दें कि हरदोई में लगातार 36 घंटे बीतने के बाद ये ब्लाइंड मर्डर से सनसनी मच जाती है, जिसमें ये मामला जो है बिहानी कोतवाली इलाके के बूढ़े गांव का है। यहाँ पे बदमाशों ने एक किसान को गोली मारकर हत्या कर दी है, जो कि अपने खेत पे जा रहा था उसको गोली मार दी थी। वहां पे मौके पे आला अधिकारी पहुंचे थे, एसएसपी दुर्गेश सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी, ये सब मौके पर पहुंचे थे। मृतक के परिवारों ने वहां पे सीएससी पे हंगामा काटा, वहीं पे जो है कि अधिकारियों ने समझाया बुझाया, उसके बाद अधिकारी शांत हो गए। उसके बाद ये 36 घंटे में तीसरी हत्या सामने आई है। यहां पे बेखौफ बदमाश खुलेआम इसकी पुलिस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।